अमूमन मियाँ बीवी में झगड़े होते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब उनके बीच का झगड़ा इतना बढ़ जाए कि एक बंदा घर छोड़कर चला जाए तो झगड़ा झगड़ा नहीं रहता, तब वो बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है। और ऐसा ही बहुत बड़ा झगड़ा चंदा यादव और खेसारी लाल यादव के बीच में हुआ। किसे लेकर? किसी और को नहीं, सिर्फ काजल राघवानी को लेकर। जी हाँ, उसी बीच खबरें ये भी आ रही थी कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव ने एक दूसरे को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है। और अब उसकी खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं कि ये झगड़ा इन तीनों के बीच का हुआ था, काजल राघवानी, खेसारी लाल यादव और चंदा यादव। जी हाँ, ये तीनों जमकर लड़े, जमकर भिड़े, और इसी कारण खेसारी लाल यादव ने लॉकडाउन के दौरान अपना घर छोड़कर अपने गांव चले गए थे। और जब चंदा यादव का मूड शांत हो गया तब खेसारी लाल यादव वापस मुंबई आ गए। और खेसारी लाल यादव ने मुंबई आते ही अपने आप को तुरंत बिजी कर लिया, तुरंत अपने कई गानों की, एल्बमों की शूटिंग करना शुरू कर दी। शूटिंग के लिए वो पंजाब भी चले गए। कई वीडियोस भी वायरल हुए जहां पर खेसारी लाल यादव शूटिंग करते नज़र आ रहे थे। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं था जब खेसारी और चंदा यादव में काजल राघवानी को लेकर लड़ाई हो। इससे पहले अक्षरा सिंह को भी लेकर लड़ाई हो चुकी है इन दोनों के बीच, लेकिन कभी ये झगड़ा इतना तूल नहीं पकड़ा कि दोनों में से कोई एक घर छोड़कर निकल जाए। लेकिन यहाँ ऐसा ही हुआ। खेसारी लाल यादव ने झगड़े को शांत करने के लिए अपने गांव चले गए, और लोग कहते हैं कि बच्चों का मुंह देखकर खेसारी वापस रिटर्न भी आए। लेकिन जब चंदा यादव का मूड शांत हो गया, और फिर फाइनली चंदा यादव का मूड जब शांत हुआ तब खेसारी रिटर्न भी आ गए थे। और आपको बता दें कि इसी लॉकडाउन में जब उनके बेटे ऋषभ का बर्थडे था तो भी वो उस बर्थडे को अटेंड नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि कुछ पारिवारिक झगड़े ही थे जिसकी वजह से खेसारी वापस रिटर्न मुंबई आकर अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे का बर्थडे गांव में ही सेलिब्रेट किया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।